हाँ यार, तो आज मैं कोश पे लोन अप्लाई करने के लिए आपको हेल्प करूँगा। तो कोश के बारे में कुछ बताने के लिए, कोश पे हम सिर्फ ग्रुप में लोन्स देते हैं। तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लेडीज़ के ग्रुप्स होते हैं जिनको ग्रामीण बैंक लोन देता है, उसी तरीके से हम भी ग्रुप में ही लोन देते हैं जॉइंट लाइबिलिटी में। तो इसलिए आपको इसके अंदर अपने दोस्तों के साथ लोन बनाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ लोन नहीं बना सकते हैं। तो लोन बनाने के लिए आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप 10,000 से कम का लोन लेना चाहते हैं तो दो लोगों के ग्रुप में लोन ले सकते हैं। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का लोन लेना है तो आपको दो से ज़्यादा लोग चाहिए, कम से कम तीन या तीन से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो इस केस में मैं अभी 10 महीने का अगर लोन ट्राई करूँ और उसके अंदर मैं अपने दोस्त को ऐड करूँ, ये मैंने उसका नंबर ऐड कर दिया, यहाँ मैंने पर्पस लिख दिया रेंट, उसके बाद मैं अगर अप्लाई करूं तो जैसे इसमें वो नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि आपको लोन, अगर 10 10 महीने का लोन बना रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा का लोन लेना है तो आपको दो से ज़्यादा लोग डालने हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर अपना एक और अभी फ्रेंड को ऐड करूंगा, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मुझे वो अलाउ कर रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मेरे को यहाँ पे अमाउंट 10,000 मिनिमम है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा लोन लेना चाहता हूँ, लेट से मैंने 26,000 का लोन लिया, अब मैं अपना डिसबर्सल डाल सकता हूँ। तो जैसे ये 26,500 है, अब मैं ये किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ आपस में। तो सपोज़ मुझे 26,500 में से 6,500 का लोन चाहिए, आयुष को 10,000 का लोन चाहिए और हिमांशु का भी 10,000 का लोन है। तो अब ऐसे ही लोन डिसबर्स होगा, ऐसे ही हमारी EMIs डिफाइन होंगी। तो इसमें मेरी EMI 752 रुपये है और ग्रुप की EMI 367 रुपये है। कंफर्म करने पे मुझे अपनी पर्सनल इनकम, मेरी फैमिली की इनकम, मेरा कितना खर्चा होता है वो डालना है। उसके बाद मेरे को अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर। नंबर डालते हुए ये ध्यान रखिए कि जो आप नाम अपना डालते हैं वही सेम नाम आपका पैन कार्ड पर भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो आपका नाम है, जो आपके पैन कार्ड पर आपका नाम लिखा है वही नाम डालो यहाँ पे। इस पर मैं आगे कंफर्म करूँगा। तो उसके बाद मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मेरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इस टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा ईमेल आईडी और कन्फर्म। यहाँ पे अपनी मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपके पास अपनी मार्कशीट्स नहीं है तो मार्क्स अभी दे दीजिए, मार्कशीट्स आप अपनी बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, आपको अपना पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी और एक एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। इसमें कोशिश करिए अपनी सैलरी स्लिप डालिए, उससे आपके एप्लीकेशन कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे पूरी लोन समरी आ जाएगी। जैसे मैंने बताया, हमने 26,500 में 6,500 मेरा था, तो मेरा लोन का जो EMI है 753 रुपये है और मेरे दोस्तों का 1,157 की EMI है। इसको जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी है। ये वीडियो कंप्लीट करते ही आपको आपके दोस्तों का स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे आपने अपने दोस्तों को स्टार्टिंग में ऐड किया था, उनको भी आपकी तरफ से एक मैसेज गया होगा जिस पे उन्हें बताया गया होगा कि वो भी लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करें। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं अपने दोस्त के लिए कैसे फिल करना है, आपके दोस्त के पास क्या एप्लीकेशन आया होगा और उन्हें कैसे ये फिल करना है। तो जैसे ये आया है, मैं अपने दोस्त को अगर मैसेज भेजना चाहता हूँ, यहीं से उन्हें रिमाइंडर भी भेज सकता हूँ। अब मैंने उसे रिमाइंडर भेज दिया। अब मैं इसी तरीके से अब आपको दिखाता हूँ कि उनके फ़ोन पे कैसे अप्लाई करना है। बताया मैंने हिंदी में चूज़ किया, मेरे दोस्त के पास ऐसी नोटिफिकेशन आई होगी, उसके बाद उसे अपना लॉगिन करना है ऐप पे। उसको दिख रहा है कि ये लोन आईडी है, ये लोन बनाया है साहिल बंसल ने, तो ये आयुष का फ़ोन है, तो आयुष का ऐसे एक नोट ऋण आमंत्रण दिखेगा, एक लोन एप्लीकेशन दिखेगा, उसे उस पर क्लिक करना है, उस पर अपना लोन का रीजन लिखना है। उसे दिखेगा कि साहिल ने 6,500 रुपये का लोन लिया है, आयुष गोयल ने 10,000 का लोन लिया है, हिमांशु गुप्ता ने 10,000 का लोन लिया है। अगर ये लोन का इनविटेशन उसे सही लग रहा है, वो अग्री करता है, तो वो उसे अग्री करेगा। अब इसके बाद सारा प्रोसेस आयुष को अपने फ़ोन पे पूरा कंप्लीट करना है। उसी तरीके से उसे अपनी इनकम, अपनी फैमिली की इनकम, घर की डिटेल्स सारी डालनी है, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, जिस तरीके से साहिल ने करी थी वैसे ही आयुष को करनी है।
और ये एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद, दोनों की एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, उसी तरीके से आयुष की एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका लोन आगे प्रोसीड करेगा। थैंक यू।